अयोध्या नगर निगम के सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। मांगे पूरी न होने पर सैकड़ों सफाई कर्मी सड़क पर उतरे। अयोध्या के दौरे पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि से मुलाकात करने सर्किट हाउस पहुंचे। नगर निगम के सफाई कर्मचारी सर्किट हाउस के सामने पंचायत की। पुलिस ने निगरानी समिति के सदस्य मुलाकात नहीं करने दी। सर्किट हाउस गेट पर धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर दो दिन से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। दो महीने से वेतन नहीं मिला है। आपको बताते चलें, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का दो दिनों से हड़ताल जारी रहा। हड़ताल की वजह से नगर निगम क्षेत्र में कूड़ों का अंबार, नालियां चौक हो गई। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त ने कहा, 4 जून तक इनकी समस्याओं का समाधान होने के साथ साथ ओवर टाइम्स का भी लाभ इन कर्मचारियों को मिलेगा। इस धरने पर सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी शामिल रहे। और अगर आज समझौता ना हुआ तो रिजौली बंद होगा, गोसाईगंज भी बंद करवाऊंगा और आपके बगल जितने भी टाउन एरिया है सभी बंद होगा। ऐसा है, माननीय सफाई आयोग के सदस्य जी यहाँ आए थे, हमको फोन किए थे, फोन करने के बाद हम बुलवाए, मैं गया, हमारे अपर नगर आयुक्त बैठे थे, सहायक नगर आयुक्त थे और यो थे, तो बैठ के वार्ता हुई हमारी। हमने कहा हम वेतन दे दीजिए, हमारा कोई मांग यही है और जो 26 दिन का वेतन दे रहे हैं 30 दिन वेतन दे दीजिए आप, भाई काम करा रहे हैं 31 दिन और वेतन देंगे 26 दिन। आगरा ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, मेरठ ले लीजिए, मुरादाबाद ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, हर जगह जो तनख्वाह मिल रहा है 10,900 रुपया और यहाँ दे रहे हैं 8,000 नहीं 8,000 तुम्हें मालूम है 800 मिल रहा है यहाँ, तो इस तरह से सिलसिला व्यवहार नहीं होने देंगे। अभी लड़ाई हमारी आरंभ बार की होगी, चाहे 4 दिन हड़ताल रहे चाहे 5 दिन हड़ताल बढ़ रहेगा। आप यहाँ किससे मिलने आए थे, कौन है वो? सफाई आयोग के सदस्य थे, वीरेंद्र कुमार वाल्मीकि, क्योंकि हमारा वो हमारे साथ काम कर चुके हैं, वो भी पहले सफाई आयोग के अध्यक्ष थे, तो हम लोग साथ में काम किए इसलिए बुलवाए थे उनको, तो पूरी समस्या बताया गया उनको, तो वो भी कहेगी यहाँ पे 23-24 आदमी है। मेन मुद्दा हमारा जो है सफाई कर्मचारियों के वेतन 2 महीने का, और जो कर्मचारी काम कर रहा 30 दिन 26 दिन का वेतन लेंगे, 30 दिन का वेतन लेंगे। नहीं धरना नहीं, हमारे जो बीच के हमारे परिवार के जो सफाई मित्र हैं वो थोड़ा आशंकित थे, उनके इस बार की तनख्वाह में विलंब हुआ था जिसकी वजह से उत्तेजित होकर उन लोगों ने अपनी बात को रखने का प्रयास किया और आज उनके साथ में पूरी सहानुभूति के साथ उनकी समस्याओं को सुना गया, उनकी बात को सुना गया और थोड़ा सा एक जो समस्या नगर निगम में लगातार चल रही है 14वें वित्त की धनराशि हमारी कम होती गई है, इस विषय में भी शासन स्तर से ही पत्राचार करके उसका भी हल निकाला जाएगा और वर्तमान में भी जो समस्या है उसके सलूशन को देखते हुए और लगातार बढ़ती हुई गर्मी और सफाई की व्यवस्था में दिक्कत ना आए इसका ध्यान करते हुए एक सलूशन निकाला गया, हल निकाला गया है और उसमें हमने उनके तनख्वाह का भुगतान विलंबतम कल तक हो जाएगा इसका विश्वास उनको दिलाया गया है, उनके प्रतिनिधियों को भी और सभी सफाई कर्मी जो हमारे हैं सफाई मित्र उनसे भी मैंने सीधे बात की है और उनको इस बारे में आश्वस्त किया है। इसके अतिरिक्त तो उनकी जो एक डिमांड है कि हमारा ओवर टाइम का किया जाए इंतज़ाम होना चाहिए, कुशल अकुशल का होना चाहिए, इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए एक समिति बना दी गई है, अपर नगर आयुक्त साहबान हैं दोनों उसमें और CSIs हैं जो सेंट्री इंस्पेक्टर्स हैं और इन लोगों को 4 जून तक का समय दिया गया है, 4 जून तक ये अपनी समस्याओं का जो इनकी समस्याओं का एक सम्यक निस्तारण करेंगे, नियमानुसार उसको हल करेंगे और इस आश्वासन के साथ अभी हमारे जितने भी सफाई मित्र हैं उनका धरना प्रदर्शन और जो चल रहा था वो समाप्त हो गया है। इसका जिम्मेदार मैं हूँ और सफाई मित्र 3 दिन से धरना नहीं दे रहे थे, उन्होंने आज, वही मैं कह रहा हूँ, धरना नहीं था 3 दिन से, लेकिन अगर कहीं से ये बात आई कि धरना दे रहे हैं तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर शायद उनकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए ही पोस्टेड हूँ, तो मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि हमें शायद धनराशि और बढ़ानी चाहिए, नगर निगम की आय बढ़ानी चाहिए, खर्च हमें कम करने चाहिए, कर्मचारियों की संख्या को
एक घटाना चाहिए ताकि हमारी जितनी आय है उतना ही हमारा व्यय हो। इस तरफ लगातार प्रयास किया जा रहा है और चूंकि समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है और नगर पालिका से अभी नगर निगम में परिवर्तित हुआ है और अयोध्या में लगातार भीड़ बढ़ रही है तो यहाँ के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत गंभीर हैं और बड़े हैं, लेकिन हम कहीं से उसको हल करने में पीछे नहीं हटेंगे और हमारी पूरी नगर निगम की टीम इस कार्य में मेरा सहयोग कर रही है और हम सभी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझते हैं और हम सब इसको हल भी करेंगे। जनपद के सदर तहसील के तिगुनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्षा सुमन पांडे के नेतृत्व में 17 सूत्रीय ज्वलन समस्याओं को लेकर 1 महीना 3 दिन से अनवरत धरना जारी रहा, जिसमें बीच बीच में प्रशासन से वार्तालाप कर कुछ समस्याओं का निदान होता रहा। इसमें किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता द्वारा महापंचायत का ऐलान किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर प्रशासन से 4 बजे वार्तालाप करने का आश्वासन मिला, लेकिन समय के अनुसार अधिकारी के न आने के कारण किसान उग्र हो गए और किसान विरोधी नारा लगाते हुए सदर तहसील के सामने रोड जाम कर सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। शासन प्रशासन के अधिकारी के लोग किसानों से वार्ता के लिए मजबूर हुए। पंचायत में एडीएम प्रशासन अमित कुमार सिंह किसानों की समस्या सुनी और बची हुई समस्या का निदान 1 हफ्ते में करने का आश्वासन दिया। एसपी सिटी विजय पाल सिंह द्वारा आश्वासन दिया गया पुलिस की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण कर दिया जाएगा। जिला प्रवक्ता ने कहा, मौके पर प्रशासनिक अधिकारी ने आश्वासन दिया है, मेरा धरना समाप्त न होकर स्थगित कर दिया गया है, यदि 1 हफ्ते के अंदर समस्या पूरी नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन फिर से जारी होगा। इस अवसर पर प्रदेश सचिव दिनेश कुमार दुबे, मंडल प्रमुख महासचिव श्रीराम वर्मा, जिला प्रवक्ता फरीद अहमद, नगर अध्यक्ष अजय यादव, जिला सचिव मोहम्मद सईम, डॉक्टर रामजन्म वर्मा, राजेंद्र वर्मा, राजू निषाद, केशव देवी, निर्मला धर्मशिला के साथ किसान यूनियन के तमाम नेता एवं पदाधिकारी शामिल रहे। एडीएम प्रशासन द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया कि इसको 1 हफ्ते में हम निस्तारण कर देंगे और सारी बैठकें प्रशासन को लेकर करेंगे, तो इसलिए हम लोग इस धरने को समाप्त नहीं कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। अगर 1 हफ्ते में इसका निस्तारण नहीं हुआ तो हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा और उग्र आंदोलन करेंगे। फरीद अहमद, जिला प्रवक्ता अयोध्या। साबित इनका चल रहा था पहले से भारतीय किसान आयती ग्रुप का, उसमें 17 सूत्री मांगे थी, कुछ राजस्व विभाग की थी, पुलिस विभाग की थी, अन्य विभागों भी थी। तो चूंकि आज हम और एस पी सी टी साहब यहाँ मौजूद हैं और इसमें राजस्व विभाग की जो समस्याओं को निस्तारण हो सकता है उसे 1 हफ्ते में कराएंगे। पुलिस विभाग की 2 पूरा कलंदर के मामले हैं, वो सर के संज्ञान में आ गया है। इसके अलावा जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे गन्ना हो और DHO का हो, PWD हो, उसमें ये वार्ता हुई है कि उनके साथ एक इनकी हम वार्ता कराएंगे, जिसमें जो जनपद के किसानों की समस्याएं और जो इनकी योजनाएं चल रही उनका आपस में तारतम्य हो, ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके और उनके मन में सरकार के प्रति या योजनाओं के प्रति जो है कोई विद्वेष ना रहे। क्या आपके विचार सहमत हैं लोग? हाँ, सहमत हैं। धरना खत्म हो गया है और हम लगातार पिछले 3-4 दिनों से इनकी समस्याओं को लेकर जो है फील्ड में अपने जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हमने मैसेज, हमारा मैसेज देखिए कि धरना नहीं होना चाहिए और शासन की मंशा ये होती है कि सभी जितने भी चाहे काश्तकार हों चाहे जो पब्लिक हों उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण होना चाहिए। कुछ मामले हैं थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल होते हैं, चाहे दीवानी के मुकदमे हों या आबादी के मामले हों, उसमें कई दौर की वार्ताएं करनी पड़े, इनसे पुलिस का सहयोग लेना पड़ा, लोगों को बात करनी पड़ी, तो आज इसी बात पर ये धरना समाप्त हुआ है।